आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की चीखें निकल रही हैं। फयाजुल हसन चौहान, अपोजिशन करप्शन की एपीसी फर फर बोलती है। वजीर आजम का एहतसाब और इंसाफ का जज्बा गैर जानिबदार है। फयाजुल हसन चौहान। वजीर रेलवे शेख रशीद भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए, आइसोलेशन में चले गए। 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराऊंगा, शेख रशीद। अल्लाह शाहिद का खान अब्बासी और दिगर को सहत दे, शबाज शरीफ। कराची गैर कानूनी और गैर मयारी तामीरात का गढ़ बन गया, कराची 6 माह में इमारत गिरने का तीसरा वाकया। लियारी में 2, गुलबहार में 1 इमारत मुनहदम हो चुकी। एसपीसीए 300 से ज्यादा इमारतों को मखदूश करार दे चुकी है। हादसे के बाद तहकीकाती कमेटियों का क्याम, नतीजा कुछ नहीं निकलता। लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी तामीरात में तेजी से इजाफा हुआ। मुल्क भर में 8वें रोज भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार, लाहौर पिशावर समेत दिगर शहरों में पेट्रोल नायाब। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी अरूज पर पहुंच गई, पंजोरा के इलाके में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 9 हो गई। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताहा अली और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़।